हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय ब्रज जन रंजन जय यशोदा जीवना जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय श्याम नरियमन जानी जय कुंज बिहारी जय श्याम नरियमन जय श्याम नरियमन जानी राधा विनोद बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
गौर ब्रह्मानंद ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्याय विमलो कृष्णप्रेममृदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हरे कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गत कल श्रवण कर रहे थे हमारी श्री गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का कुछ दिव्य चरित्र के ऊपर में हम लोग विवेचना कर रहे थे। इसलिए आज भी धारावाहिक रूप में उनकी और कुछ गुणानुवली को गान करेंगे। इसलिए हम गुरु जी को उदाहरण देते हैं, कहते तीन मृदंग है। कितना मृदंग है? तीन है ना, मृदंग एक है। इसलिए कहते मृदंग तीन मृदंग है। कहते एक मृदंग क्या है? कहते जो मृदंग बजाते हैं। इसलिए श्री गुरु जी को हमने देखा है, गुरु जी बड़े सुंदर कोकिल जैसे कोकती है, गुरु जी भी बड़ी सुंदर, उनकी गला का जो आवाज बड़ा मीठी आवाज है महाराज। इसलिए अगर कोई मठ में आते थे, अगर किसी को कीर्तन सीखना हो, अगर कोई भक्ति प्रज्ञान किसी को गोस्वामी महाराज उनको गुरु जी कहते थे, अगर कीर्तन सीखना हो तो जाओ गौर नारायण के पास, क्योंकि उनका ब्रह्मचर्य का नाम था गौर नारायण, उनके पास में जाओ, उनसे तुम कीर्तन सीखो। सचमुच से जब मैंने पहला बार मथुरा में आया और ब्रजमंडल परिक्रमा में मथुरा से जो ब्रजमंडल परिक्रमा हुई, गुरुदेव सवेरे सवेरे कुछ अष्टव को गाते थे, जैसे नमामि नंद नंदनम नमामि नंद नंदनम और मनिंद्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी
प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भो विलासिनी। गुरुदेव इसको और जो तीसरा जो गाते थे गुरुदेव, नमामिश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजवनम। हमारे जो दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में ये अष्टों को दामोदर अष्टों को रोज रोज गाते हैं, लेकिन उसको कैसे गाते हैं, साधारण रूप में पढ़ लेते हैं, है नमामिश्वरम सचिदानंद रूपम। लेकिन मैं जब केवल मथुरा में आया देखा गुरु जी उसको इतने सुंदर रूप में गाते थे, पहला बार मैंने जब सुना है ना, कितने सुंदर गुरु जी का गला की आवाज, कितने मीठी गुरु जी की गला की आवाज, कितना मीठा बड़ा सुंदर स्वर में, मैं तो सुनकर मुग्ध हो गया, है मुग्ध हो गया सुनकर भी, इतने सुंदर गुरु जी की गला की आवाज है। फिर गुरुदेव ने जब उसको व्याख्या किया, कहते वो व्याख्या सनातन गोस्वामी का दिग्दर्शन टीका के साथ में व्याख्या किया, एक श्लोक को अलग अलग जगह पर जो परिक्रमा में कभी चले जाते थे जब समय होता था उसको व्याख्या करते थे, गुरुदेव केवल 8 श्लोकों को 1 महीना लगाते थे व्याख्या करते, 1 महीना लगाते थे एक एक शब्द को, है नमामि शब्द क्यों बताया, है नमामि का मतलब क्या होता है, है ये ऐश्वर्यवाची, इसलिए इस भक्ति जगत में कैसे जो नीम ही ऐश्वर्य है, लेकिन नमामि तो सुर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दास्य सख्य वात्सल्य और लास्ट में लेकर के नमो राधिका हई तदीय प्रिया हई नमो अनंत लीलाय दुर्गाय, लास्ट में मैंने श्रृंगार रस में उसको समाप्त करते हैं, अरे बीच में दास्य रस से सुर हुई, अरे सख्य रस, अरे वात्सल्य लास्ट में मधुरे न समाप्त है। उन्होंने 1 महीना तक गुरु जी ने केवल 8 श्लोक गुरुदेव ने व्याख्या किया, व्याख्या को सुनकर मेरे बाबा जी इसके अंदर में इतने केवल एक के शब्द को जो व्याख्या करते थे, ईश्वर शब्द क्यों बताया, नमाम सचिदानंद क्यों बताया, है रूपम लसत कुंडलम क्यों बताया, गोकुले ब्राजवानम, है ये क्या सुंदर गुरुदेव व्याख्या करते थे, अद्भुत रूप में गुरुदेव व्याख्या करते थे। इसलिए पहला मृदंग जैसे ये मृदंग गुरुदेव भी थोड़ी बहुत गुरुदेव मृदंग भी अगर कोई नहीं हो गुरुदेव बजा लेते हैं, है और खुद गुरुदेव खाते हैं, ये पहला। दूसरा मृदंग क्या है, दूसरा मृदंग कहते बृहत मृदंग, कहते बृहत मृदंग किसको कहते हैं, ग्रंथ को, तुम लोग जो ग्रंथ में काम करते हैं ना इसको कहते हैं बृहत मृदंग, इसको कहते हैं। इसलिए गुरुदेव का जो बृहत मृदंग के ऊपर में गुरु जी की बड़ा अवदान है, इसलिए विशेष करके हिंदी वासियों के ऊपर में गुरु जी का प्रभाव, हिंदी वासियों के ऊपर में बड़ा कृपा है। अक्सर करके जो पहले ये जैव धर्म हिंदी भाषा में थे नहीं, मन शिक्षा शिक्षाष्टकम उपदेशामृतम भजन रहस्य है गीत गोविंद हमारे रास पंचाध्याय वेणु की उज्ज्वल निर्मणि है, ये हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं था, लेकिन ये ग्रंथों को अगर सर्वप्रथम किसने बंगला से अगर हिंदी भाषा में किया तो किसने किया, हमारे श्री भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज किया। विशेष करके महाराज ने कहते भक्ति जगत में 3 चीज है, कितना चीज है, कहते एक संबंध तत्व और एक अभिधेय तत्व और एक प्रयोजन तत्व, 3 तत्व है। इसलिए हमारे गुरुवर कहते थे कहते ये संबंध तत्व को किसने स्थापन किया, विशेष करके कहते विशेष करके मेरे जो गुरुपाद पद्म है ना, अक्सर करके उनका जो ग्रंथ देखो जैसे भगवत गीता प्रस्थान त्रयी, जिस भगवत गीता उपनिषद हैं और वेदांत सूत्र, जिसमें कृष्ण ही हमारे आराध्य देव है, कृष्ण ही केवल हमारी उपासक तत्व है, और विशेषकर भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज भी अक्सर करके इन्होंने ये संबंध तत्व को ऊपर में बड़ी ठोस दिया, क्योंकि जब तक तुम्हारी संबंध पका नहीं हो ना, जैसे एक बिल्डिंग बनाओ अगर उसका नींव अगर सही नहीं हो ना उसके ऊपर बिल्डिंग खड़े करोगे तो क्या हुआ, धस जाएगी तो बिल्डिंग नहीं रहेगा, है। इसलिए भक्ति जगत में जो संबंध ज्ञान, जिसको जितना संबंध ज्ञान पका होगा बढ़िया होगा, जैसे अभी गीता पढ़ रहे हो इसमें एकदम संबंध, हमारे भक्ति जगत का जो फाउंडेशन है ये भगवत गीता है, है? अगर गीता के ऊपर में तुम्हारी, इसको बाद में महाराज जी बोल रहे हैं वेदांत सूत्र कुछ पढ़ाएंगे और कुछ उपनिषद के बारे में कुछ ज्ञान होनी चाहिए, फिर लास्ट में
भागवत, भागवत पीएचडी का ग्रंथ है, भागवत ये पीएचडी ग्रंथ है। तो लास्ट में करते हैं लोग भागवत ग्रंथ पढ़ाए, इसलिए कहते ये मेरे गुरुदेव और भक्तिवेद स्वामी महाराज उन्होंने विशेष करके संबंध ज्ञान के ऊपर में बड़ी उन्होंने ठोस करके विचार किया। कहते अभिधेय तत्व के ऊपर में है हमारे संबंध ज्ञान का जो प्रदाता है श्री सनातन गोस्वामी, अभिधेय तत्व का जो हमारे आचार्य कौन है श्री रूप गोस्वामी इन्होंने, और हमारे प्रभुपाद का शिष्य में श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज ने जैसे भक्ति रसामृत सिंधु और शरणागति विशेष विशेष कुछ कुछ ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया है, जिसमें उन्होंने अभिधेय तत्व को ऊपर में जिसमें अभिधेय तत्व को ऊपर में जिसने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने विश्लेषण से किया है। लेकिन हमारे श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते इन्होंने विशेष करके प्रयोजन तत्व किया है, इसलिए महाराज जो विदेश में गए बोले देखो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज ने आकर के हैं इन्होंने कृष्ण को ही परतत्व रूप में कृष्ण ही भगवान है इन्होंने बताया, मैं आकर के बताऊंगा कृष्ण कैसे भगवान नहीं है ये बात मैं बताऊंगा है, और कृष्ण कौन है भगवान नहीं कहते सखा को सखा है, मैया जसोदा का दुलाला है और ब्रज गोपी राधा रानी का ये प्रियतम है, क्योंकि ब्रज में उनको कोई भगवान रूप में मानते नहीं, इनको ब्रज में सबके सब राग भक्ति को द्वारा भगवान को उपासना करते हैं। इसलिए कहते हमारे महाराज जी विशेष करके उन्होंने जो प्रयोजन तत्व है इन्हीं ग्रंथों को विशेष विशेष करके उन्होंने जो लोभमय भक्ति है ये लोभमय भक्ति के ऊपर में महाराज जी विशेष विशेष करके उन्होंने तत्व दर्शन को उन्होंने स्थापन किया हमारे महाराज जी है। इसलिए कहते 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 एक है क्या है एक मृदंग है, एक पहला मृदंग दूसरा मृदंग है, जो बृहत मृदंग ये कौन है कहते ये ग्रंथ, ये बृहत मृदंग ये ग्रंथ है, क्योंकि ये मृदंग का आवाज कहाँ तक जाएगी थोड़ी दूर तक इसका आवाज जाएगी, लेकिन ग्रंथ अगर किसी देश की किसी एक कोने में अगर ये ग्रंथ पहुंच गया ना बस ये ग्रंथ को जो अध्ययन करेगा उसका कल्याण हो जाएगा उसका मंगल हो जाएगा, इसलिए इसको है इसको बताया बृहत मृदंग। इसलिए हमारे श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज है भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज हमारे गुरुदेव जब ये सब ग्रंथों की रचना किया वेदांत सूत्र उपनिषद भगवद गीता जब उन्होंने मेरे गुरुदेव जब क्या उन्होंने लिखे हैं बोले देखो जगत में सबसे बड़ा दान किसको कहते हैं कहते जो भगवत कथाओं को जो दान करते हैं, भगवत कथाओं को जो दान करते हैं जगत में ये सबसे बड़ा है दानी है, इसलिए ब्रज गोपियां क्या कहती है पुनीता जना सबसे बड़े दानी जो कृष्ण कथा को जो देते हैं कहते उनको तो सबसे दानी बताए, लेकिन उसी कथा को चिरकाल के लिए जो ग्रंथ रूप में प्रकाश करके जाते हैं जो कथा को दान करते हैं गए कथा बोला कथा समाप्त हो गया, लेकिन जो ये ग्रंथ को जो प्रकाश करके गए लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक ये ग्रंथ जगत में रहेगी, जिसने ये कथा को चिरस्थाई रूप में ग्रंथ रूप में जो प्रकाश करके जाते हैं उसका ज्यादा महत्व है, उसकी ज्यादा महत्व है। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज उन्होंने क्या किया जैसे ये कथा चिरकाल के लिए ये स्थाई रूप में ये ग्रंथ रहे, इसलिए उन्होंने जो बृहत मृदंग को उन्होंने जगत में स्थापन किया, अब केवल बृहत मृदंग नहीं विशेष करके उन्होंने हमारा जो प्रयोजन तत्व है हमारे जो प्रयोजन वस्तु इसको महाराज ने विशेष विशेष करके उन्होंने बता करके गए। इसलिए गुरुदेव कहते थे बोले देखो जैसे जगत में कोई सीए करता है कोई इंजीनियरिंग करता है 8-10 साल बाद में इंजीनियर बनेगा, नहीं तो कोई सीए बनेगा लेकिन वो पहले क्या करता है लक्ष्य करता है मेरे को क्या बनना है सीए हमें नहीं तो इंजीनियर बनना, पहले लक्ष्य को स्थिर करके फिर क्या करता है फिर वो धीरे 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 पढ़ाई करके एक दिन वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए गुरुदेव कहते थे पहले अपना लक्ष्य को स्थिर कर लो, क्या करो अपना लक्ष्य को स्थिर कर लो, लक्ष्य को स्थिर करके फिर धीरे 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 साधन करो हम अपना लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाराज कहते थे हमारे जो लक्ष्य है आराध्य भगवान
ब्रजस्तनय तन्नाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु कर परिणजा कल्पिता। ये श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिलम, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। इसलिए कुछ कुछ लोग हमारे गुरु जी को कुछ कुछ लोग बोलते थे, बोले नारायण महाराज के बोल रस तत्व के ऊपर बोलते हैं, रस तत्व के ऊपर बोलते हैं महाराज जी, है रस तत्व के ऊपर बोलते हैं। नहीं, हमारे जो गोस्वामी वर्ग है तो क्या देने के लिए आए, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार महाप्रभु आते, एक बार एक दिन आते हैं। इसलिए महाप्रभु जगत में आए। रूप गोस्वामी ने क्या बताया, बोले अनर्पित चरी चिराग करुणया वतीर्ण पलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति हरि पुरट सुंदर दुति ददम्ब संदीपित सदा हृदय गंदर स्फुरत सची। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं यही चीज को देने के लिए आए हैं, वही स्वभक्ति श्रीयम। इसलिए उन्होंने वही निकुंज सेवा को हैं रूप गोस्वामी के अनुगत्य। इसलिए प्रभुपाद ने उनका उपदेश में 108 उपदेश में तीन बार उन्होंने बताए रूप गोस्वामी की चरण की धूली बनना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जो प्रभुपाद का जो उपदेशामृत है कथा जो प्रश्न आंसर है, कहते ये भजन रहस्य को कौन समझ सकता है। प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया, ये भजन रहस्य को कौन समझ सकता है, उसका सबसे पहला उपदेश है कहते श्री रूपानुवृत्त को आश्रय करते हुए जो जुगल सरकार की उपासना करते हैं वही केवल रूपानुवृत्त को ही वही समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने यही बात प्रभुपाद बारम्बार बोले है रूप गोस्वामी के चरण की धूल बनना ही जीवन का आकांक्षा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हाँ मैं तो वह चीज देने के लिए आया था, लेकिन मैंने ये जंगल को काटते 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 जीवन चला गया। मैं जो चीज देने के लिए चाहता था केवल जंगल काटते काटते मेरा समय चला गया, लेकिन उन्होंने दिया है। इसलिए उन्होंने जगतवासियों को दिया वो चीज है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे प्रभुपाद कहते जो साधारण व्यक्ति को पास में प्रभुपाद का एक प्रकाश है, लेकिन उनका जो नीचे जैन है उनको पास में प्रभुपाद का एक ज्ञान, प्रभुपाद का दूसरा स्वरूप प्रकट कर दिया है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं जो साधारण व्यक्ति है उनको पास में प्रभुपाद कैसे, बोले श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती। साधारण व्यक्ति को पास में ये दूसरे सरस्वती जैसे है, ये सरस्वती दूसरे सरस्वती जैसे, लेकिन जो उनका निज जन है उनको पास में क्या है, बोले श्री भार सभान भी देवी दयिताय कृपा है। राधा रानी की ये अत्यंत अत्यंत ये एक प्रिय ये एक मंजरी है। जिले बोले वृषभा नो सुता दई तानो चरम चरणाश्री तरे नो ध रास्ता महा महादूत पावना शक्ति पद प्रणमामि सदा प्रभु पादम पदम। अपना निज जन को पास में श्री भास भान विदित दैत वृषभान सुता दैत अनुचरम है। इसलिए हमारे भक्तिवेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज जो चीज को महाप्रभु देने के लिए आए थे, रूप गोस्वामी ने जो चीज दिया है उसको बाद में श्री जीव गोस्वामी ने जो दिया है उसको बाद में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ने जो दिया उसको बाद में कहते श्री नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ने जो दिया उसको बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जो दिया है उसको बाद में प्रभुपाद ने जो चीज को देकर गए है, कहते हमारे गुरुपाद पद्म वही धारा को उसी धारा में ही आकर के उन्होंने विशेष करके उन्होंने श्री राग मार्ग में जीव का कैसे धीरे धीरे प्रवेश हो उसका लोभ कैसे हो। इसलिए गुरुदेव ने वो लोभ वस्तु को देकर गए, वो कोई लाइन से कोई अलग वस्तु नहीं, उसी लाइन में ही वही चीज को देने के लिए उन्होंने कोशिश किया। जो सौभाग्यवान व्यक्ति होंगे वो चीज को धारण कर सकते हैं, वो धारण। इसलिए कहते जो दूसरा जो मृदंग है कहते से बृहत मृदंग है
बृहद मृदंग में श्री ग्रंथ है, इसलिए ग्रंथ रूप में गुरुदेव जब हिंदी में है, गुरुदेव जो ग्रंथों को जो प्रकाशित किया, कितने कष्ट करके हमने खुद गुरुदेव को देखा है। कभी कुछ सेवा के अंतर्गत कभी कभी मैंने देखता था, कभी कभी हम सोते हुए हैं, पता नहीं गुरुदेव कब उठ गए, कब उठ करके बस गुरुदेव ग्रंथों को करेक्शन करना कर दिया। क्यों, गुरुदेव पहले क्या करते थे, कहते तीन साढ़े तीन बजे अंदर के उठ जाते थे गुरुदेव, है ढाई तीन बजे उठ जाते थे, उठ करके टाइम से सो जाते थे, सो करके टाइम से उठ जाते थे, उठ करके पहले बस जो आस पास में कोई सोया हुआ है ना, किसको डिस्टर्ब नहीं करते थे, गुरुदेव जाएंगे अपना हाथ मुख धो देंगे, धो करके बैठ जाएंगे, बैठे करके मुझे माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पुकार करे गुरुदेव है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे पुकार करे गुरुदेव, हरे राधे हे कृष्ण, ऐसे पुकार करे गुरुदेव हरि नाम करते थे है। अब कोशिश करते थे 9 बजे से पहले कैसे 1,00,000 हरि नाम पूरी हो जाए, उसको बाद में प्रसाद सेवा करे। इसलिए गुरुदेव कभी कभी हम लोग को बोलते थे, गुरुदेव कभी बोलते थे, बोले देखो एक अच्छी बात बोलते थे, बोले देखो ये शरीर सुस्त रहते रहते साधन कर लो, गुरुदेव कहते थे, क्योंकि ये शरीर जर्दगम शरीर है, ये शरीर का टाटी पेशाब खून पी कर उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन ये शरीर के द्वारा ही यद्यपि ये पंच रचित ये अधम शरीर, ये अधम शरीर गुरुदेव कहते थे, अधम शरीर है, कहते देखो ये शरीर सुस्त रहते रहते जितना दूर हो सके उससे दूध निकाल लो, गुरुदेव कहते जितना दिन हो सके ना ये शरीर से साधन कर लो, गुरुदेव कहते थे, क्योंकि जब ज्यादा उम्र हो जाएगा ना तरह तरह का बीमारी शरीर में आ जाएगा, बीमारी आ जाएगा तो फिर भजन नहीं कर सकते, फिर हरिनाम वैसे नहीं कर सकते, गुरुदेव कहते थे। इसलिए हमारी मन कभी कभी विषय में इधर उधर चीज में चली जाती है, कारण है हम जो मंदिर में आए हैं हमारे जो लक्ष्य को पहले हम ठीक रखनी चाहिए, अगर लक्ष्य को सही नहीं करके अगर हम छुप करके किसी लड़की से प्रेम कर लिया, हाल होकर उससे बात कर, लक्ष्य कहाँ तुम्हारे, भ्रष्ट लक्ष्य तुम्हारे, गलत लक्ष्य तुम्हारे है। इसलिए पहले अपना खुद को हम जब साधन भजन करने के लिए आए हैं, इसलिए हम भजन करनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी लड़की के फोन नंबर रख दिया, उसको आलू खा रहे हैं, ठाकुर जी को खा रहे हैं मठ में, और गलत संबंध रख रहे हैं, कहाँ भजन कहाँ मंदिर में, कहाँ जहाँ तुम्हारे मन तुम वहीं पर, शरीर केवल थोड़ी मंदिर में रहने पर मंदिर में हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी मन कहाँ पर निर्भर, कहाँ तुम्हारी मन है, ये चीज को देखो। देखो ये ठाकुर का संपत्ति हम भोग कर रहे हैं, ठाकुर का संपत्ति, एक व्यक्ति संसार में रहता तो कितने कष्ट परिश्रम करके कमा करके जाकर कहीं वो व्यक्ति अपना किसी तरह से खाना, तभी दिन भर देखना जो गृहस्थ लोग उनको पूछ लो कितने कष्ट करके परिश्रम लोग करके दिन रात एक करके फिर लास्ट में क्या है, सब लोग खाने के बाद जो बच जाए उसको खाता है, माली क्या होता है, सबको खिला करके माली खाता है, हैं? लेकिन हम मंदिर में रह रहे हैं, भगवान की भजन भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान की संपत्ति है, अगर हम मंदिर में रहते हुए हमारा दूसरा अभिलाष अगर रहे कि ठाकुर का संपत्ति भोजन ये कभी हजम होगा, ही कभी ये हजम होना बड़ा कठिन है, ये विषय अन्न खाइले मलिन है मन, और मलिन है मन नहाय कृष्ण स्मरण, इसलिए हृदय को शुद्ध करके एक लक्ष्य करते हुए हमको साधन भजन साधन करनी चाहिए, गलत उल्टा संगत में हमें नहीं बैठनी चाहिए, एकदम एक मन से। देखो हम दूसरों को ठग सकते हैं लेकिन ठाकुर को नहीं ठग सकते, भगवान को नहीं ठग सकते, वो तो अंदर में बैठे, वो सारे हमारे चित्त वृत्ति को देख रहे हैं, समय होने पर उपयुक्त फल प्रदान करेगा, टाइम होने पर उस समय एकदम सही फल देते हैं, इसलिए हमें निष्कपट होकर के एक लक्ष्य करते हुए हमें अपना साधन किसी तरह से, इसलिए महाराज खुद बोलते थे बोले देखो हम ब्रह्मचारी लोगों को ये शरीर सुस्त रहते हुए जितने इससे साधन करना कर लो, जितने साधन करना इससे कर लो, नहीं तो बूढ़ा हो जाओगे ना, गुरुदेव कहते कि मैं अभी वृद्ध हो गया हूँ, तरह तरह का बीमारी हमें पकड़ लिया है, चाहने पर भी साधन करने ये शरीर नहीं देता है, इसलिए जवानी रहते हुए क्या करो, इससे रगड़ करके इसको जितना
हैं, निकाल सकते उतना निकाल लो हैं। इसलिए कहते, इसलिए गुरुदेव का गुरुदेव स्पंडलाइज्ड गुरुदेव हो गया था हैं। हमने देखा कैसे गुरुदेव एकदम सवेरे उठ जाते थे, अभी स्पंडलाइज हो गया, लेकिन गुरुदेव कहते देखो मैं रहते समय जितना ग्रंथ निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन मेरे बाद में करंट निकलने वाला है ही नहीं, क्यों ग्रंथ को कौन निकालेगा, लिखेगा कौन, उसको करेक्शन कौन करेगा हैं। इसलिए गुरुदेव क्या करते थे पता नहीं, कब उठ जाते थे पता नहीं चलता था। अब देखो गुरुदेव कैसे कभी ऐसे बैठ नहीं सकते ही, पीछे बाली से तकिया लगा लेते थे ऐसे, और उसको ग्रंथ को ऐसे रखता था, ऐसे ग्रंथ को हैं रख करके पीछे तकिया लगा करके ऐसे करते हुए गुरुदेव करेक्शन करते थे हैं। मतलब इतने कष्ट करके गुरुदेव ने, इतने कष्ट करके गुरुदेव ने ये ग्रंथ को प्रकाशित किया। इसलिए जो दूसरा मृदंग है, जो बृहत मृदंग है, इसलिए बृहत मृदंग में हमारी महाराज की बहुत बहुत बड़ा एक देन है। और जिन ग्रंथों को केवल एक भाषा में नहीं, रसिया, अंग्रेजी, तुर्की और पता नहीं कितने कितने भाषा में, पृथ्वी में जितने भाषा है ना, सब भाषा में गुरुदेव का ग्रंथ सब ट्रांसलेशन हुआ है। और सारा दुनिया में ये ग्रंथ, सारा दुनिया में ये ग्रंथ जा करके पहुंचा। इसलिए दूसरा मृदंग बृहत मृदंग, और तीसरा जो मृदंग है कहते हैं जीवंत मृदंग है। जीवंत मृदंग क्या है, स्वयं भगवत कथा को प्रचार करना। इसलिए गुरुदेव ने क्या किया, स्वयं उन्होंने सारे पृथ्वी के सारे स्थान पर गए, गुरुदेव सारी जगह पर गए, जाकर गुरुदेव सर्वत्र उन्होंने हरि कथाओं का प्रचार किया। पृथ्वी को कितना बार गुरुदेव परिक्रमा किया, और हमने तो गुरुदेव के साथ में बहुत सारी जगह में, जम्मू में गया, जयपुर में गया, दिल्ली में गया, गुरुदेव कितने कष्ट करते थे सोच से बाहर है, हमने स्वयं देखा। गुरुदेव का शरीर अस्वस्थ है, अस्वस्थ है, जाना कठिन, बोले नहीं गुरुदेव का मन नहीं मानता था, गुरुदेव सेवकों को भेज देते लेकिन गुरुदेव का मन नहीं मानता था, नहीं मेरे लिए उन लोगों ने इतनी व्यवस्था किया है, हैं कितना व्यवस्था किया मेरे लिए, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनका मन खराब हो जाएगा। खैर गुरुदेव का शरीर अस्वस्थ रहते हुए गुरुदेव वहां पर जाते थे, जाकर के गुरुदेव हरि कथा बोलते थे। इसलिए यदि जो तीन मृदंग है, तीन मृदंग के ऊपर में गुरुदेव की बहुत बड़ा देन। और यह गुरुदेव जो रूप गोस्वामी की तिथि को वृंदावन मठ में बहुत अच्छे तरह से गुरुदेव मनाते थे, बहुत अच्छे तरह से हैं। इसलिए क्योंकि गुरुदेव का जो नित्य स्वरूप क्या है, रमण मंजरी हैं, रमणी मंजरी होने का नाते कहते जितने मंजरी कौन है, श्री राधा जी की अनुगत, श्री रूप गोस्वामी की अनुगत में भजन करने वाले। इसलिए हम लोग कौन सा वैष्णव है, रूपानुग गौड़ीय वैष्णव, रूपानुग गौड़ीय वैष्णव हम लोग है। इसलिए रूपानुग गौड़ीय वैष्णव होने का नाते हमारे धारा श्री रूपानुग धारा है। इसलिए गुरुदेव जो ब्रजमंडल परिक्रमा होता था, ब्रजमंडल परिक्रमा में गुरुदेव सबको बुलाया करते थे, सब जगह बुलाते थे, लेकिन विशेष करके गुरुदेव बोलते थे बोले कहीं आओ नहीं आओ एक जगह में जरूर आना। बोले कहाँ पर, बोले टेर कदम, क्योंकि जो टेर कदम रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है तो वहां पर जरूर आना। और हमने अपना आंखों से देखा, क्या देखा, जब कोई विशेष लीला स्थलियों में जैसे गिरिराज गोवर्धन, जैसे उद्धव कियारी हैं, जैसे रूप गोस्वामी की जैसे समाधि, जैसे भजन कुटीर, गुरुदेव जब जाते थे अपना जो ये है ना कुर्ता को गुरुदेव उतार देते थे, उतार करके वो उतर के भी उतार देते थे, उतार करके गुरुदेव सीधा एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, क्योंकि वहां का जो धूल है वो अपराकृत दिव्य धूल है, और धूल कोई साधारण धूल नहीं, क्योंकि उनकी चरण के द्वारा, उनकी भाव के द्वारा वो अभिषिक्त वो धूल है। इसलिए नारद जी भगवान जब बोले बर मांगो, नारद जी ने क्या बर मांगे, बोले प्रभु जी जहाँ पर आपने लीला की है, जहाँ पर आपने ये मधुर मधुर लीला की है, अगर कोई भक्तों की अनुगत में वहां पर कोई जाए और वहीं पर बैठ कर कथा सुने, और वहां के धूल को अपना शरीर में अगर कोई लगाए, वहां पर जो आप लीला की है एक दिन जैसे वो लीला उसका हृदय में प्रकटित हो, है ये वरदान भगवान वरदान नारद जी को दिया। हमने गुरु जी को सब चीज देखा, विशेष विशेष जो धाम, जो लीला स्थलियों में, विशेष विशेष लीला स्थलियों में गुरुदेव एकदम प्रणाम करते थे, वह धूल को प्रार्थना करते थे, क्यों वहाँ का जो धूल है, चिंतामणि प्रकर्षत्म सुगंध वृंग
धूल चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष सब इच्छाओं को धूलि प्रदान कर, धूल प्रदान कर सकता। गुरुदेव ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए वहां भिक्षा मांगते थे, जगदीनी की लीला हमारे हृदय में परिस्फुट हो, हृदय निर्मल हो। है ये गुरुदेव की ये निष्कपट आरती। और श्री तेर कदम पे गुरुदेव बैठ कर, तेर कदम पे जम कली रूप शरीर न धारतम, है ये जो कीर्तन है इसका श्री रूप मंजरी पद सही मर संपद सही मर जीवन प्राण। गुरुदेव इसी जो ये दो कीर्तन को गुरुदेव विशेष करके रूप गोस्वामी का क्या वैशिष्टता है, रूप गोस्वामी का गुरुदेव वहां पर जो भावाभिष्ट होकर गुरुदेव वहीं पर रूप गोस्वामी की महिमा को गुरुदेव दान करते थे। सारे भक्तों को गुरुदेव बोलते थे जरूर वहां पर आया करो, मैं जरूर आया करो। इसलिए गुरुदेव को साथ में रहते रहते मतलब गुरुदेव कहते ना कृष्ण रस भाविता मति व राधा रस भाविता मति क्रियताम कुतः भी यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य वैकल्प कोटि सुकृते अपि न लभ्यते। इस जो श्लोकों को बताए अगर ऐसे कोई जिसका मति संपूर्ण, गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे रुई को, रुई को जैसे पानी में डाल दो उसका कण कण में जैसे पानी समा जाती है, कहते अगर ऐसे कोई अगर राधा जी की भक्ति में कृष्ण भक्ति रस में जो सराबर हुए भक्त, अगर ऐसे भक्तों का अगर संग करना करोड़ सुकृत को द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता इसको द्वारा वो वस्तु प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव कहते सर काट करके इसे संग को खरीदी कर लो। है इसलिए गुरु जी के साथ में रहते 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 और वो कथा सुनते सुनते सचमुच से हम लोग के अंदर में भी वास है। हमारे है हमारे मंदिर में किसी एक छोटे से छोटे व्यक्ति को तुम क्या बनना चाहते हो, बोले रूप गोस्वामी के अनुगत में रूप अनुगत को अनुगत करते हुए राधा जी की पालन दासी बनना हम चाहते। ये गुरुदेव ने ये चीज को सभी के हृदय में कण कण में गुरुदेव ने इस समय हृदय में गुरुदेव ने बैठक ली है। इसलिए वहां पर गुरुदेव कैसे ब्रजमंडल परिक्रमा को गौड़ मंडल परिक्रमा को गुरुदेव कैसे भक्ति पूर्वक उन्होंने कैसे ये परिक्रमा करते थे। हमारे गौड़ी दूसरे दूसरे गौड़ी मठ में दूसरे तीन साल में कहीं एक एक कोई गौड़ी मठ परिक्रमा करते, लेकिन गुरुदेव हर साल जब से मैंने मथुरा में आया है, जब से मैंने मथुरा से आया हर साल गुरुदेव परिक्रमा जरूर करते थे। गुरुदेव परिक्रमा है, गुरुदेव जरूर परिक्रमा करते थे, हर साल परिक्रमा लगाते थे। और नवद्वीप परिक्रमा में गुरुदेव जब जाते थे वहां पर भी ऐसे महाप्रभु का जो अद्भुत अद्भुत महाप्रभु का जो वैशिष्टता को गुरुदेव बोलते थे अद्भुत है। इसलिए संजोगिनी राधा कौन है, वियोगिनी राधा कौन है, वृषभानु राधा कौन है, और उसका अंदर में महाप्रभु का भी कैसे तीन स्वरूप है। महाप्रभु संजोगिनी कहाँ पर, वियोगिनी कहाँ पर, वृषभानु नंदिनी कहाँ पर है। इसलिए गुरुदेव ये तीनों जो राधा जी के स्वरूप को उनने महाप्रभु के साथ में उदाहरण देते थे। संजोगिनी महाप्रभु कहाँ पर, वियोगिनी कहाँ पर है, और वृषभानु नंदिनी महाप्रभु कहाँ पर है, नवद्वीप में महाप्रभु कौन है, नवद्वीप लीला उनको स्वाभाविक रूप में उनको जो मधुर मधुर लीला है उनकी लोकवत लीला को कौन है, कहते वृषभानु नंदिनी। इसलिए संजोगिनी राधा कौन है, कहते राय रामानंद को कब है गोदावरी में, जहाँ पर श्री राय रामानंद के साथ महाप्रभु का जहाँ राय रामानंद संवाद हुआ है। और वियोगिनी राधा कहाँ पर, बोले जगन्नाथपुरी गंभीरा में, कैसे जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण विरह में जैसे धर्मती थी, उसी तरह कैसे महाप्रभु यहाँ पर कैसे दीवार में नाग घिसते थे, समुद्र में कैसे छलांग लगा देते थे, वो सब चीज को गुरुदेव इतने अद्भुत रूप में गुरुदेव वर्णना महाप्रभु कथा को महाराज वर्णना करते थे। और विशेष करके महाराज जी ने जो नवद्वीप परिक्रमा है, जब गुरु महाराज पहले गौड़ीय वेदांत समिति में पहले परिक्रमा वहां पर करते थे, लेकिन वहां से जब महाराज अलग होकर के आए और परिक्रमा किए, फिर हम सोचते थे भैया इतना लोग कहाँ से आए, क्योंकि सारे लोग तो पहले से प्रचार था वहीं पर सारे लोग आते थे है। तब महाराज जब आगे हम सोच रहे थे इतना फिर लोग कहाँ से आएगा, इतना लोग आ, क्योंकि सब लोग तो उधर का लोग है, हैं गुरुदेव तो इधर हो गए, हम तो गुरु जी को साथ में जो थे गुरु जी को साथ में चले आए। फिर लोग वाह गुरुदेव का जो वैभव हमने देखा, गुरुदेव का जो अद्भुत महिमा देखा, बाबा रे। दूसरे साल जो परिक्रमा उसको बाद साथ में जब गुरुदेव ने परिक्रमा की है वो टेंट लगाया, कल बता रहा था टेंट उखड़ गया क्योंकि बड़ी जोर से आंधी तूफान आया,
होने पर भी दूसरे दिन हम सोच रहा था परिक्रमा असंभव, रात भर बारिश हुई लेकिन सवेरे बारिश अपने आप छूट गया। सवेरे जो फिर वह बारी इतने लोग, पता नहीं गुरुदेव का क्या आश्चर्य महिमा, गुरु जी का हजार हजार लोग परिक्रमा करते हुए नाचते कूदते हुए, फिर जैसे प्रत्यय से हो गया पूरा है। अभी परिक्रमा बढ़ते 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 इतने परिक्रमा में लोग होंगे, सारी गौड़िया मिल मठ मिला कर कितना लोग होंगे, और हमारे मठ में उससे ज्यादा लोग हमारी मठ में। तो गुरुदेव का जो वैभव है ना, जो गुरुदेव का जो अद्भुत जो महिमा है, अद्भुत रूप में महिमा है। इसलिए जो तीसरा जो मृदंग है, कौन सा मृदंग है, कहती है जीवंत मृदंग, जीवंत ये मृदंग, ये गुरुदेव पाद पद्म है। और तीसरा जो ये है, कहते हैं, कहते गुरुदेव के अंदर में कभी समझौता नाम का कोई चीज नहीं था। समझौता समझते हो, कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज नहीं था है? कोई कंप्रोमाइज नहीं था। गुरुदेव बड़े से बड़े लोगों को नहीं छोड़ा। मैं गुरुदेव के साथ में एक बार हमारे जो गोपीनाथ गौड़िया मठ है, एक बार वहाँ विग्रह स्थापन हो रहा था। विग्रह स्थापन में तो उन्होंने पंडितों को इधर उधर बुलाया था, चंदन प्रभु विग्रह स्थापन में, और हमारे गुरुदेव गए थे। उसमें एक कोई एक व्यक्ति आया था वृंदावन, खूब नामी व्यक्ति, और उनको भी बुलाया था। उनको जब उन्होंने जो विग्रह को स्थापन क्यों करते हैं, विग्रह का क्या तत्व है, जब उनको बोला ना, वो थोड़ी सी मायावादी को बोल दिया, जो विग्रह विग्रह कुछ है ही नहीं है, ये कुछ दिन के लिए, जैसे मायावादी का फिलोसफी होता ना, जैसे वो पंच उपासक होते हैं, विग्रह को क्यों पूजा करते हैं, बोले मन को स्थिर करने के लिए। जब मन स्थिर हो जाए, मन को स्थिर करने के लिए कोई रूप होनी चाहिए, इसलिए पंच उपासक होता है, इसलिए कुछ समय के लिए मूर्ति को उसको बात नहीं, मूर्ति पूर्ति का कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अरूपवत ही तत् प्रार्थना तत्, वेदांत का एक सूत्र है, उन्होंने अरूपवत ही, पता है ना भगवान का स्वरूप अरूपवत, लेकिन गुरुदेव उसी उसी सूत्र को लेकर के गुरुदेव उनको ऐसे झाड़ लगाए ना सबको सामने। बड़ा नामी व्यक्ति था वो वृंदा, बड़ा नामी व्यक्ति था, लेकिन गुरुदेव को देखा कंपरवाही नहीं। अगर कोई भक्ति का विरोध, कोई बात बोले ना, गुरुदेव तो टूट पड़ते थे। इसलिए बोलते आचार्य सिंह रूपिणे, इसलिए गुरुदेव कहते थे शेर का बच्चा शेरी होता है, शेर का बच्चा शेरी होता है। इसलिए भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी मत आचार्य सिंह रूपिणे और शेर जैसे थे। अगर कोई सिद्धांत विरुद्ध का कोई बात करते थे, जैसे एकदम टूट पड़ते थे, ऐसे ही हमारे महाराज भी कहते, गुरुदेव कहते थे शेर का बच्चा शेर, भेड़िया का बच्चा भेड़िया होता है। हम सबके सब शेर का बच्चे है, गुरुदेव बोलते हम शेर के बच्चे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं, गुरुदेव बोलते थे। इसलिए गुरुदेव ना वही के व्यक्ति, वृंदावन के नामी व्यक्ति, गुरुदेव छोड़े नहीं उनको। सामने अरूपवत ही तत् प्रार्थना तत्, अरूपवत ही भगवान का स्वरूप कैसे अरूप जैसे है, लेकिन प्राधान्य किस रूप में ही उनका प्राधान्य है। इसलिए सचिदानंद रूपाय, इसलिए विग्रह न तुम सख्यात ब्रजत्र नंदन, ये विग्रह नहीं सख्यात भगवान है। इसलिए भगवान कृपा करके जगत में जीव में आठ रूप में जगत में भगवान प्रकट होता है। कितना रूप में, आठ रूप में भगवान है, जैसे मिट्टी है, जैसे लकड़ी है, अष्ट धातु है, लेखनी है, मनमयी है, वहां के लेकर के हर गुरुदेव कितना प्रमाण वहां पर दिया, कहां से गुरुदेव कितने प्रमाण दिया, और विग्रह कैसे चले। साखी गोपाल की कथा सुनाए, साखी गोपाल कहां थे, पुरी में, लेकिन साखी देने के लिए वहां से चल चल करके यहाँ पर आए। गौर नित्यानंद प्रभु अंबिका कल्ला में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का विग्रह बनाया, तो विग्रह ही चल पड़े वहां पर विग्रह ही चल पड़े है। इसलिए उन गुरुदेव ने कितने मदन मोहन कैसे सनातन गोस्वामी को नमक मांगते थे, बोले तुम खिलाते हो बगैर नमक के, गला तो नीचे नहीं उतरता है, ना थोड़ा नमक दे दिया करो। बोले तो आज नमक मांगोगे, कल बोल दो थोड़ा सब्जी दो, फिर थोड़ा दूध ले आओ, फिर दाबड़ी ले आओ, फिर घास लाऊंगा। तेरे पिता का नल ला गया था, तभी तेरे पेट नहीं भरता था, तो चोरी चोरी करके खाता था। और तेरे को मैं गुरुदेव कितने प्रमाण गुरुदेव वहां पर दे, विग्रह कैसे बोलता है। इसलिए कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, भैया जसोदा जैसे तुम। इसलिए गुरुदेव झपट पड़े उसको पर, यहाँ पर मैं गुरुदेव संख्या देगा। और एक समय गुरुदेव जब गोकुल में जाते थे,
गोकुल पंडा को साथ में गुरुदेव लड़ पड़े, वहीं के रहने वाले हैं, हैं? जब हमारे यात्री जाते थे ना, बोले कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, वसुदेव महाराज उनको लेकर गोकुल ले आए, गुरुदेव उनको सामने हरिकथा में झाड़ लेते थे, उसको झाड़ देते थे, बोले तुम लोग ब्रजवासी हो, तुम लोग ब्रजवासी है ही नहीं है, कृष्ण गोकुल मथुरा में जन्म हुए हैं, कृष्ण गोकुल में यही पर नंद के दुलाला, इसलिए नंद के आनंद भाई हो जय कन्हैया, किसका आनंद भाई हो है, बोले नंद के आनंद भाई हो, फिर गुरुदेव प्रमाण देते थे, हैं गुरुदेव फिर प्रमाण देते थे, कहां कहां पर भागवत में, तो भागवत को खोल करके देखो, हैं पर भागवत में जयति हिते धिकम जन्मना प्रजा श्रयतय इंदिरा ब्रह्मा जी कहते हैं पशुपांग जाय, स्वयं गर्गाचार्य कहते हैं उचित वासुदेव तबाक मज, ये तुम्हारी बेटा है, कभी वसुदेव का बेटा बना था, प्राग वासुदेव से कुछ जाता तबाक मज है, इसलिए ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, स्वयं सुखदेव गोस्वामी कहते नंदस को आत्म जाता लादा महामना, कितना श्लोक गुरुदेव वहां पर उनके पंडे लोग उनको सामने उनको, और एक बार क्या हुआ, गुरुदेव ने बड़े बड़े विद्वान का सभा था, बहुत बड़ा विद्वान का सभा था, वो मथुरा में चतुर्वेदी वहां पर आए थे, और एक अभी जिसे बसंत लाल आए थे ना पिछले बार, उसका जो गुरुदेव थे उनका नाम था मनोहर लाल शास्त्री, बड़े विद्वान था, मथुरा में बड़े गण्यमान्य विद्वान था, उनको स्वागत समारोह में बड़े बड़े विद्वान ब्रज के लिखे बड़े अच्छे अच्छे बड़े विद्वान संस्कृत के पुरंदर विद्वान आए थे, एक दिन गुरुदेव का जो चांस आया, गुरुदेव के साथ मनोहर लाल शास्त्री का बड़े मित्रता था, तब गुरुदेव को बुलाए थे, उस समय हमारे महाराज का मथुरा में बड़ा नाम है, बड़ा नाम गुरुदेव का था, कहीं भी बड़े से बड़े कई सभा हो ना गौड़ी मठों को आवाज बोला, और घर घर में कीर्तन, गुरुदेव ने हमने गुरुदेव के साथ में गए कीर्तन में जाते थे बैठे थे, गुरुदेव देखो गुरुदेव इतना प्रचार किया है ना, इतने प्रचार किया, गुरुदेव कहते थे देखो तुम्हारे घर में आएंगे, बोले गुरुदेव क्या लोग, बोले किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन तुलसी बता दे देना, देखो केवल हमको बुलाओ गुरुदेव का, हमें बुलाओ तुम्हारे घर में बैठकर कीर्तन करेंगे, अगर बिछाने के लिए कुछ नहीं होगा ना हम ले जाएंगे, बिछाने के लिए ले जाएंगे, बिछा करके कीर्तन करके आ जाएंगे, ऐसे गुरुदेव ने जाकर के प्रचार किया था, ऐसे घर घर में जाकर के इतना वहां के कलाकार लोग आने लग गए, सबको गुरुदेव एक एक भजन बोलने, एक एक भजन बोलने में चांस से मिलता नहीं मिलता, रात 12 बजे तक घर घर 1 बजे था, फिर 2 किलोमीटर एक हम चल चल कर जाते थे, जब आते थे ना कीर्तन करते करते रात में सब बच्चे लोग कीर्तन करते करते आते थे, नाचते कूदते हुए आते थे गुरु जी के साथ में, ऐसे गुरुदेव ने मथुरा में ऐसे गुरुदेव प्रचार किया, करते करते इतने प्रचार होने लग गया वहां पर, इतने दिन में दो दो तीन तीन प्रोग्राम होने लग गया, गुरुदेव अलग अलग मंगल महाराज का एक तरफ में, पूज्य बिहारी प्रभु के एक तरफ में, गुरुदेव खुद एक तरफ में जाते थे, जाकर गुरुदेव स्वयं गुरुदेव जाते थे घर घर में, तभी मथुरा में इतना प्रचार किया, कहीं भी प्रोग्राम होना गौड़ी मठ बाबा को बुला, गौड़ी मठ नारायण महाराज को बुला, और जब वहां पर जब कृष्ण का जब झांकी निकलता था जन्माष्टमी के एक दिन पहले, कि आप विशाल गुरुदेव गौड़ी मठ का झांकी मतलब एकदम झांक झोर करते हुए टहलका मचाते हुए पूरा मथुरा मंडल में टहलका मच जाती थी, कैसे झांकी है, और हमारे गुरुदेव चल चल करके जाते थे, लेकिन वहां पर पास में एक शरणानंद और मायावती का जो गुरु है, लेकिन वो पूरा सिंहासन में बैठ करके प्यार रख करके उनको ठाड़ मार, लेकिन सब लोग बोलते थे गौड़ी मठ के बाबा अच्छे है, क्योंकि ये चल चल करके जाते हैं सबको साथ में, और ये तो सिंहासन पर बैठ करके राजा महाराज जैसे के साधु है ये गौड़ी, उस समय पहले उनका संप्रदाय बहुत पहले से, और उनका जो गुरुदेव थे बड़े नामी थे, पूरा जितने मथुरा में बड़े बड़े पैसा वाला सब उनका शिष्य थे रमन रति वाले, लेकिन गुरुदेव जब आए गुरुदेव का इतना नाम होगा सबका नाम दब गया, ऐसे गुरुदेव ने प्रचार किया, क्योंकि गुरुदेव का जो व्यवहार है बहुत मीठा व्यवहार है, गुरुदेव का सबके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार गुरुदेव करते थे, इसलिए ऐसे गुरुदेव ने व्यवहार किया, इसलिए बहुत बड़े बड़े विद्वान का ये था, इतने में महाराज को जब नंबर आया ना, तो उन्होंने मनोहर लाल शास्त्री को वो उन्होंने कैसे कृष्ण जसोदा नंदन है, ये मनोहर लाल शास्त्री की कथा में बताया था जसोदा नंदन है, ये जसोदा नंदन कृष्ण है, इसलिए उनको महिमा बताते हुए गुरुदेव बोल दिए
कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं हुए, जन्म तो गोकुल में हुए, लेकिन वो सब मथुरा के पंडे, वो चाहते, वो तो जानते हैं कृष्ण मथुरा में, हम मथुरा के रहने वाले, कृष्ण मथुरा में जन्म हुए। फिर गुरुदेव के साथ में बड़ी लड़ाई हुई है, बड़े गुरुदेव के साथ में, वो बोले गुरुदेव बोले, फिर गुरुदेव ने फिर बोले देखो भागवत में देखो, ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भागवत कह रहा है कृष्ण के सिद्धांत नंदन है। फिर उन्होंने सारे श्लोक को उठा करके बोले सब लोग ताली बजाएंगे नाम पर, सब लोग हाँ गुरुदेव का जय जयकार हो गया वहां पर। इसलिए गुरुदेव की जो महिमा है बहुत, इसलिए गुरुदेव के अंदर में समझौता नहीं था। अगर कहीं भक्ति का विरोध कहीं देखे ना, गुरुदेव एकदम टूट पड़ते थे और उसको खंडन मनन करते थे। इसलिए हम भी शेर के बच्चे हैं। शेर का बच्चा क्या होगा? शेर ना श्रीगाल हो, सियाल है ना शेर है, इसलिए शेर है, मतलब हम लोग को भी ऐसे प्रचार करना पड़ेगा। इसलिए ढीला डाला होने से नहीं काम चलेगा, हमें भी शेर बन करके हम भी धूमधाम से प्रचार करना, ठीक है ना। इसलिए जैसे हमारे बोधायन महाराज जी अब जैसे उड़ीसा में गाँव गाँव में जा करके प्रचार करते हैं, इसलिए तुम लोग भी भविष्य में है। गुरुदेव ने, तुम सोच नहीं सकते गुरुदेव मथुरा में क्या कष्ट किया, हमने स्वयं देखा, बहुत कष्ट करके रात को एक एक बजे आकर सोते थे, फिर सवेरे उठ करके मंगला आरती में आना, फिर ये करना, भजन साधन करना, एक लाख हरिनाम करना, तभी जगत में, इसलिए हम तपस्या कर रहे हैं। इसलिए जो जितने कष्ट करेगा तपाएगा शरीर को, जैसे सोने को तपाने पर उसका पूरा उसका उज्ज्वल निकलता है, इसलिए शरीर को जब तपाएंगे फिर जाकर के कहीं सोने के टुकड़ा बनेंगे। अगर शरीर को अगर आराम आराम आए, आराम आराम आए, इसलिए आराम करोगे तो हराम बन जाओगे, इसलिए आराम नहीं करना है। इसलिए शरीर को तपा करके भक्ति करना, भजन करना, ठीक है ना। इसलिए कल और कुछ गुरुदेव का कुछ कथा सुन लेंगे, ठीक है। बोले श्रीला भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज की, सपरिकर प्रभुपाद की, पिताई गौर ब्रह्मानंदे।